ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुल्याणी में कक्षा आठवीं में पढ़ने वाली छात्रा जानवी पुत्री करतार सिंह ने कुश्ती में प्रथम स्थान हासिल कर नूरपुर व अपने गांव का नाम रोशन किया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश कुश्ती संघ द्वारा किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया, जिसमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुल्याणी की छात्रा जानवी ने कुश्ती प्रतियोगिता की 35 किलो वर्ग को जीतकर प्रथम स्थान हासिल कर मेडल को अपने नाम किया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुल्याणी में कक्षा आठवीं में पढ़ने वाली बेटी जानवी पुत्री करतार सिंह ने कुश्ती में प्रथम स्थान हासिल कर नूरपुर व अपने गांव का नाम रोशन किया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश कुश्ती संघ ने किया था, जिसमें हिमाचल के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। इसी प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुल्याणी की छात्रा जानवी ने कुश्ती प्रतियोगिता की 35 किलो वर्ग को जीतकर पहला स्थान हासिल कर मेडल अपने नाम किया है। छात्रा को स्कूल के प्रधानाचार्य सोमलता ने भी सम्मानित किया। छात्रा ने स्कूल के साथ साथ अपने माता पिता व गांव का नाम भी रोशन किया है। स्टेट लेवल प्रतियोगिता जीतने के बाद जानवी को नेशनल के लिए चुना गया है, जो राजस्थान में होगी, जिसमें ये छात्रा हिमाचल प्रदेश की तरफ से अपना प्रतिनिधित्व करेगी। छात्रा के गुरु जोनू का कहना है कि ये मेहनती छात्रा एक साधारण परिवार से संबंध रखती है। अगर इस छात्रा को सरकार की अच्छी सुविधाएं मिल जाएं तो ये देश का नाम रोशन कर सकती है। क्या नाम है आपका? सरबलविंदर सिंह। आप जानवी के कोच हैं, तो कैसी मेहनत करवाई आपने इससे कि ये स्थान हासिल किया? मेहनत करवाते हैं, हमारी यही उम्मीद है कि हम मिट्टी में प्रैक्टिस करवाते हैं, बच्चों को रस्सा डलवा रखा है अपनी, जिस तरीके से प्रैक्टिस होती है हम करवाते हैं। हमारी सरकार से उम्मीद है कि हमें मैट वगैरह प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि हम और ज़्यादा बच्चे अपने इस लेवल तक पहुँचाएँ। बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ, जैसे जो इसकी इच्छा है कि पढ़ लिखकर मैं पुलिस में जाना चाहती हूँ, तो ये पुलिस में जाए पढ़ लिखकर अच्छी तरह, तो इनके पीछे जो इनके गुरु जी हैं उनका बहुत आशीर्वाद है, उनका चाचा जी हैं इनके, वो भी इनको बहुत अच्छी तरह करते हैं, तैयारी करवाते हैं जब वो आते हैं घर में। मेरा नाम जानवी है, मैं कुश्ती में प्रथम स्थान हासिल करके आई हूँ। इसमें मेरे गुरुओं और माता पिता का साथ है, और मैं अब पढ़ाई लिखाई करके पुलिस में अपनी सेवा देना चाहती हूँ। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुल्याणी की आठवीं कक्षा की छात्रा जानवी, जो हमारे स्कूल की छात्रा है, इसने हिमाचल प्रदेश में जो कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है, ये बहुत खुशी की बात है हमारे स्कूल के लिए भी और सुल्याणी गांव के लिए भी बहुत खुशी की बात है। और बीइंग की एक इनके फादर जो है वो खेतीबाड़ी करते हैं, उसके बावजूद भी ये लड़की पढ़ने में भी बहुत अच्छी है और इसने ये गोल्ड मेडल भी जीता है, तो सभी गाँववासी इसकी बधाई के पात्र हैं, हमारी प्रिंसिपल मैम इसकी बधाई के पात्र हैं। मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बच्ची बहुत ही गरीब घर की है और इसको जो है आर्थिक मदद दी जाए, ताकि ये नेशनल खेले और नेशनल में भी ये हमारे स्कूल का और सुल्याणी गांव का जो है नाम रोशन करे। सबसे पहले मैं जानवी को बधाई देना चाहती हूँ, उनके माता पिता जी को भी बधाई देना चाहती हूँ, और उनके जो गुरु हैं जोनू को भी बधाई देती हूँ, और जो हमारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो प्रिंसिपल मैम हैं श्रीमती सोमलता जी भी, उनको भी मैं बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि जो जानवी है उन्होंने हिमाचल प्रदेश कुश्ती संघ में जो टूर्नामेंट बिलासपुर में हुआ है उसमें उसने स्टेट लेवल पर प्रथम स्थान हासिल किया है, और मेरी सरकार से और जो गरीब परिवार से संबंध रखती है, इनके माता पिता और इनकी जो माता है वो एक पेशेंट है, बीमार रहती है, और इनके पिताजी बहुत गरीब हैं, और मेरी सरकार से निवेदन है कि इनको जो भी सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता है इन्हें प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि ये बच्चा आगे बढ़े और जान भी बड़े होके नौकरी करना चाहती है, सेवाएँ देना चाहती है अपनी। और मैं धन्यवाद करती हूँ पूरे स्कूल का और जोनू जी का, जो एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं इनको,